नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैटरी, और आप देख सकते हो हमने ऑनलाइन मंगवाया BMS ऑनलाइन, तो कुछ इस तरह से BMS है। आइए दोस्तों, हमारे पास एक बैटरी पड़ी, जो कि पहले हम वीडियो शूटिंग का काम करते थे फोटोग्राफी का, तो उसमें से एक बैटरी के सेल पड़े थे। उसमें से सेल काफ़ी अच्छे क्वालिटी के सेल हमें मिल गए, तो हम इसी सेल की निकालने के बाद हम 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे। तो किस तरह से हम 12 वोल्ट को बैटरी में बनाने जा रहे हैं आप देखिए। हमने सारे सेल निकाल दिए हैं, कुछ इस तरह से सेल है, और हमने एक ख़राब USB पिन ले ली है, उसमें से हम वायर निकालेंगे, और वायर अच्छी क्वालिटी के इसीलिए हमने इसमें से निकाले हैं। सभी को आयरन को एक बार सोल्ड कर देंगे, और एक एक करके हम इसमें बैटरी के ऊपर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आयरन है इस पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 वोल्ट का ये आयरन है, आयरन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हमने आयरन चेंज कर दिया है। आयरन चेंज करने के बाद में सोल्ड इजीली हो गया, तो कुछ इस तरह से हम सोल्ड करेंगे एक एक करके। तो इसके जो कनेक्शन है वो किस तरह से आपको देना है, एक बार मैं वायर जोड़ देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी सीरीज कैसे बनानी है। सीरीज में कनेक्शन देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 3.4 वोल्ट आ रहा है लगभग, और तो एक माइनस है और एक प्लस को जोड़ दिया, और फिर उधर से माइनस और प्लस। तो हम BMS प्लेट ले ली हमने, BMS प्लेट में सभी पर कनेक्शन कर देंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से कनेक्शन कहाँ जोड़ने हैं आपको। 12 वोल्ट है इसमें, 8 वोल्ट और 4 वोल्ट और एक ग्राउंड। ये 12 वोल्ट पे जोड़ दिया हमने सोल्डिंग, तो आप देख सकते हो आप 4.2, 8.4 और 12.6, तो सभी पे हमने एक बार कनेक्शन कर दिया है, ग्राउंड पे भी कर दिया है। और ये आउटपुट है दोस्तों, जो वायर सीधा गाड़ी के अंदर से निकल के फॉरन में लगेगी। 12 वोल्ट दिखा रहा है, हमने वायर जो कनेक्शन है प्रॉपर तरीके से हमने कर लिया है। तभी ये बैटरी कुछ सारी बैटरी तीनों बैटरी चार्ज पूरी जैसे नहीं, इसलिए कम वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन कंप्लीट है। दोस्तों आप देख सकते हो, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक सीरीज बनानी है। ये मतलब है जो 12 वोल्ट पर जोड़ना है आपको, और एक और पास वाला निकाल के आपको इसमें जोड़ना है। इसमें जिस तरह से मैं वीडियो दिखाया गया उसी तरह से आपको जोड़ना है, जहाँ वोल्टेज के सबसे 8.4 वोल्ट दिखा रहा है वो वहीं जोड़ना है, और 12.7 दिख रहा है वो वहाँ जोड़ना है, और 4.7 वोल्टेज दिख रहा है वो उसी जगह पर लगाना है। और हमारे पास जो बैटरी थी पुरानी वाली, उसको हमने काट के और सारे ही अंदर से ख़राब सेल निकाल दिए, और ये जो है कनेक्शन प्लस का प्लस में जोड़ना है और माइनस का माइनस में जोड़ना है देख के। तो हमने BMS और रबड़ लगा के उसको अंदर डाल दिया है, और कुछ पैकिंग के लिए हिले नहीं, इसलिए गत्ता वगैरह हमने पैक करके इसके अंदर डाल दिया है, और सोल्डिंग भी हमने कर दी है। तो दोस्तों, आप एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कोई कनेक्शन टूटा तो नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कंप्लीट वोल्टेज दिखा रहा है, रबर प्रॉपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इसको टेप से लगा के इसको फिट कर देते हैं। अभी इसकी जो वायरिंग है ब्लैक कलर और रेड कलर, तो दोस्तों देख सकते हो आप कम्प्लीटली हमने टेप लगा के उसको पैक कर दिया है। ये जो गाड़ी है इसमें फिट कर देते हैं। बैटरी काफ़ी हल्की हो गई, पहले भारी थी, ये हमने लगा दिया इसके अंदर। अब प्लस का प्लस में और माइनस माइनस आपको जोड़ना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इंडिकेटर वगैरह कंप्लीट चल रहा है, क्योंकि मेरा इसमें हॉर्न ख़राब है तो चल नहीं रहा है। मैं भी चेंज करूँगा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ हॉर्न चला के भी। ये हॉर्न ख़राब है दोस्तों, ये हमने इसको निकाल दिया है, अब दूसरा लगाया है हमने, ये आप सुन सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।